नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तनेजा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। श्री कान्याकुंज वैश्य सभा काशी पंचायती बाग नाटी इमली पुलिस चौकी के सामने वाराणसी में वैश्य मंडप के प्रांगण में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कन्याकुंज वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदास गुप्ता नाथू, विशिष्ट अतिथि के रूप में जेसिप नरसिंह ककरमता वाराणसी के अधिष्ठाता डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, SBI शाखा सुवनसा प्रतापगढ़ के शाखा प्रबंधक श्री चंद गुप्ता व TD कॉलेज जौनपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति होगी। इस होली मिलन समारोह में जनपद के कोने कोने से हजारों स्वजातीय बंधु शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वजातीय बंधुओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। वाराणसी से मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7। सम्मानित भी करते हैं छापा लेके। ये फोटो मैं संतोष कुमार गुप्ता, पूर्व पार्षद और इस संस्था का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। यहाँ पर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हम लोगों को बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम करवाएंगे और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम है। यहाँ पर एक मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सबको सूचित करते हैं और पत्रक निमंत्रण कार्ड सारे लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को पहुँचाने का कार्य करते हैं हमारे संस्था के पदाधिकारी। नहीं, इस सरकार में किसी प्रकार का सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम कभी विवादित नहीं रहे और जहाँ तक ये इस सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में, कहीं कोई विवादित कार्यक्रम। मैं राजेंद्र कुमार, महामंत्री श्री कानपुर वैश्य सभा काशी के। आज यहाँ पे ये 31 मार्च 2024 को होली मिलन समारोह रखा गया है। पूर्व के भांति इस बार भी हम लोग होली समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के जिलों से हमारे स्वजाति बंधु आते हैं। इसमें मुख्य अतिथि श्री कृष्णदास गुप्ता नाथू जी प्रयागराज के हैं, जो भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं यमुना पार की। और उस इस समय हम लोग वरिष्ठ जनों का सम्मान साफा से करते हैं अपने, और बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारा ये संस्था रजिस्टर्ड है 1986 तब से, हमारे पूर्वजों द्वारा जो ये बनाया गया है और इसको उन्हीं की बात ही प्रत्येक वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह मनाए करते हैं। लगभग 1500 के आसपास लोग एकत्रित होते हैं। होली पर्व पे हम यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसे पूर्व में दरभंगा जिले में ललित मिश्रा जी एक व्यवस्था किए थे कि समाज के लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं, दूर दराज रहते हैं, अन्य जिलों में नौकरी करने जाते हैं। एक स्थान ये हमारे समाज के द्वारा उपस्थित प्रांगण बनाया गया, जिसमें कि हमारे समाज के दूर दराज के आएंगे उस दिन, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे के बच्चे बच्चियों के बारे में, शादी विवाह के बारे में भी संपर्क करते हैं। वैवाहिक परिचर्चा भी हाँ, उसमें वैवाहिक परिचर्चा भी होती है।